तो जी हम लोग निकल रहे हैं ताजमहल की तरफ, और आगरा का यहाँ से रूट जो है वो अप्रोक्स है 3.5 घंटे का, और अभी जो टाइम हो रहे हैं वो हो रहा है 12। तो आगरा पहुँचते पहुँचते हमें 4 से 4:30 बज जाएंगे, और जो है अंधेरा होना स्टार्ट हो जाता है 5 बजे के बाद। तो चलिए फटाफट चलते हैं विदाउट एनी डिले, और मिलूंगा आगे आपको रास्ते में। सिंपल सा रोड है, बोरिंग रोड है, तो कुछ दिखाने का होगा नहीं। तो जी हम लोग पहुंच गए हैं आगरा। ऑलमोस्ट 15 किलोमीटर रह गया हमारा ताजमहल, और आज हमने महावीर जी से लेके आगरा तक की कुछ खास वीडियो बनाई नहीं है, क्योंकि जो रोड था वो बिल्कुल गांव गांव वाला था, और कुछ ऐसा दिखाने का भी था नहीं। तो प्लेन गांव के रोड थे, क्या दिखाते उसका। और ऑलमोस्ट हमें लग गए हैं 12 बजे, हम लोग चले थे 12:15 श्री महावीर जी से, और आगरा ताजमहल का अराइवल दिखा रहे हैं 4:04। तो चलिए फटाफट, टिकट्स मैंने ऑनलाइन बुक करा ली है। ये आउटर रिंग है आगरा का जिसके ऊपर मैं अभी हूँ, और ये डायरेक्ट मुझे छोड़ेगा एक नई रोड पे जहाँ से आगरा ताजमहल की एंट्री वाला रोड है, MG रोड शायद। तो फटाफट चलते हैं, 4:40 पे लास्ट एंट्री है ताजमहल की, और हमारा अराइवल ऑलरेडी 4 बजे दिखा रहा है, और गाड़ी की पार्किंग वगैरह लगाने में और फ्रेश होने में भी टाइम्स है जो हमें लगेगा। तो चलिए फटाफट दिखाते हैं आपको ताजमहल ऑन जिमनी, और जिमनी को तो ले जाने देंगे नहीं अंदर यार, ये बाहर ही खड़ी रहेगी। और उसके बाद हम लोग निकलेंगे फिर आगे एक फ्रेंड के पास, वहाँ से फिर निकलेंगे हम लोग मथुरा। इसमें गाड़ी में घुसाएगा या अंदर? गाड़ी में अंदर घुसाएगा? तो इस टाइम पे आप किसी भी सिटी में चले जाए, चाहे जयपुर, जोधपुर, राजस्थान, आगरा, मथुरा, वृंदावन, गाइड और रिक्शा वाले आपकी गाड़ी का नंबर देखते ही आपके पीछे पड़ जाते हैं। और मैं मानता हूँ ये बहुत ज़्यादा डेंजरस है, कभी कभी इंसान का ध्यान नहीं होता है, और ऐसे ही इस रिक्शा वाले ने मेरे बिल्कुल साइड में दरवाजे पे जो है अपनी रिक्शा चिपका दी थी। ताजमहल के लिए यू टर्न लेना पड़ेगा? नहीं, ताजमहल ये वाला, ये बैक जाओगे लेफ्ट ले लो, पर आपकी गाड़ी नहीं जाएगी। क्यों? गाड़ी लेके जाना है ना, तो आपको फतेहाबाद होके फिर ईस्ट गेट वाला रूट में जाना पड़ेगा। अगर गाड़ी लेके जाना है पार्किंग में लगानी है ना ताजमहल, पार्किंग वहीं पे, इधर नहीं है पार्किंग। पर यहाँ कहाँ लगानी पड़ेगी? यहाँ पे लगानी होगी तो यहाँ पे आगे जाके कर दो, और फिर इधर से ऑटो लेके 10 रुपये ऑटो में डायरेक्ट गेट तक पहुँचा दे। तो जी अभी आगरा में ना मेट्रो का काम चल रहा है, जिसकी वजह से एक गेट बंद है ताजमहल का, और वेस्टर्न गेट आई थिंक खुला है जहाँ पे आप गाड़ी की पार्किंग लगा सकते हैं। बट मेरे को अभी लेट हो रहा था और मेरे को इतना ज़्यादा समझ भी नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने वहाँ पे एक प्राइवेट पार्किंग में गाड़ी लगाई, और वहाँ से हमने एक ही रिक्शा कर लिया था 150 रुपये में, जो छोड़ के भी आएगा हमें ताजमहल के ऊपर और साथ में लेके आएगा। बट ध्यान रखना पैसे जो है आते हुए देने हैं, जाते हुए नहीं। तो जी आगरा में हमारा ताजमहल के अंदर एंट्री हो चुकी है। ये पता नहीं बहुत कुछ चेंज हो गया है ना, तो गाड़ी की पार्किंग मिली हमें कहीं पर, कुछ भी नहीं मिला, और ई रिक्शा वगैरह लेते हुए हम लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। और ये है जी पहला दरवाज़ा, तो वो रहा जी ताजमहल, वो उधर उधर मेन गेट। तो जी एंट्री हो गई है फाइनली हमारी, देखो भाई साहब उधर सनसेट हो रहा है हमारा, और ये देखो अभी धीरे धीरे जो है ना ताजमहल का कलर चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा। बाकी आप लोगों ने देखा हुआ है, बहुत लोगों ने दिखाया हुआ है, इसलिए मैं कुछ ज़्यादा वीडियो नहीं बना रहा, और अपनी क्विक विंडो टूर की तरह कह लो, और अंदर चलते हैं और करते हैं, देखते हैं। बहुत टाइम बाद आया हूँ मैं भी, और एक क्विक झलक देख लो, उधर सनसेट हो रहा है हमारा, और रियली बहुत ज़्यादा भीड़ है। तो जी अभी जा रहे हैं अंदर देखने, और इसकी एंट्री जो 250 रुपये की टिकट लेनी पड़ती है बेसिकली, 200 अंदर की और 45 रुपये यहाँ की, और कुछ टैक्सेस होता है 5 रुपये पता नहीं कुछ।
तो जी अभी टाइम जो हो रहा है वो हो रहा है 9:15 और हम लोग बढ़ रहे हैं वृंदावन की तरफ। तो जो है ताजमहल से हमें एग्ज़िट करते करते अप्रोक्स 6:30 बज गए थे। उसके बाद हम लोग एक फ्रेंड के घर पे चले गए थे और वहाँ से एग्ज़िट करते करते 8:15 बज गए। तो इस वजह से लेट हो गए हैं। अभी बढ़ रहे हैं वृंदावन और वृंदावन में हम लोगों ने क्या है ना एक होटल बुक करा दिया है और किसी जान पहचान पहले भी रुके हुए हैं वहाँ पे, तो वहीं पर डायरेक्ट बढ़ रहे हैं। अभी 10:30 बज जाएंगे हमें पहुँचते वृंदावन। बाकी कुछ हाईवे सिंपल है, कुछ दिखाने का तो देखो है नहीं है और सिंपल चलते ही जाना है। तो चलिए चलते हैं, कुछ होगा रास्ते में तो दिखाता हूँ, नहीं तो डायरेक्ट आपको रूम दिखाता हूँ। और बाकी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रोड ना दिखा के जो हम लोग फैमिली में एक्सप्लोर कर रहे हैं वही चीज़ें आप लोगों को दिखाए। तो चलिए चलते हैं और बढ़ते हैं वृंदावन की तरफ। तो जी जो रूम है हमारा वो बेसिक सा था और रात को इतनी थकान हो रखी थी कि मैं बस लेटा और हो गया, उसके बाद मेरे को कुछ भी याद नहीं है और अभी जस्ट उठा हूँ मैं। और चलिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। आई होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई, क्योंकि बहुत क्रिप्स और छोटी सी वीडियो थी, कुछ ज़्यादा कुछ खास था नहीं। और ये है हमारे होटल से साइड का व्यू, अच्छा खासा पार्क है भाई साहब, बड़ा बहुत बड़ा पार्क है। तो चलिए मिलवा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ड्राइव सेफ।